भाई जी, आप एसपी कार्यालय पर धरने बैठे हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, किन्हीं थानों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, लोग उत्पीड़ित हो रहे हैं, खुद थानेदारों के द्वारा, थाना अध्यक्षों के द्वारा अपमानित हो रहे हैं। यदि कोई चीज़ हम लोग जानना चाहते हैं तो इंस्पेक्टर या थाना अध्यक्षों के द्वारा हम लोगों के स्वयं के फ़ोन नहीं उठाए जा रहे। कल हमने दोपहर से लेकर रात 11 बजे तक इतने फ़ोन किए, हमने एडिशनल साहब को भी फ़ोन किया, उन्होंने भी कहा कि तीन बार हमारी बात, उन्होंने कहा हमने पता कर लिया, अभी बात करेगा आप इंस्पेक्टर, तो फ़ोन नहीं उठा। फिर बाद में कप्तान साहब से कहा, उसके बाद रात को 11:30 बजे के लगभग फ़ोन आया एक, और नाटक बतिया रहा है कि बताओ घटनाएं इतनी तेज हो रही है, महिला थाने में जा रहे हैं, डांट के भगा दिए जा रहे हैं, महिलाओं के पक्ष की बात करने जा रहे हैं, तो हाँ चूँकि अब कैसे है, क्या मामला है, यदि आप जा रहे हो तो आप कौन होते हो, गार्जियन हो, क्या हो? हमारे नेताओं को, हमारे पार्टी का प्रत्याशी था नगर पालिका मुगल सराय का, उसको डांट के भगा दिया, एप्लीकेशन पड़ा भी, जाँच हो रही है, अभी बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ी गई, अभी संविधान की बात हम लोग कर रहे हैं तो बात नहीं सुनेंगे, नियम कानून की बात नहीं सुनेंगे, इनको कौन सा अधिकार मिल गया है कि फोन नहीं उठे? काम करो ना करो, बात तो हमारी सुनवा, इतना तो अधिकार हमें है अपनी बात कहने का, कि अभी चाहते हैं कि गरीब किसान मजदूर की आवाज को कोई बात न कर सके, चुप रहे लोग, न कोई कहे न कोई जाने। अब हम डेवलपमेंट हमारा क्षेत्र का है, विकास काम ठप करा रहे, पुलिस करा रही, पुलिस के सामने पैमाइश हो गई, SDM ने पैमाइश कर दी, अब कह रहा है इंस्पेक्टर कि फोन आया है, काम बंद करो। तो हम लोग जानना चाहते हैं जिस चीज़ का निस्तारण पुलिस विभाग SDM मौके पे कर चुके हैं, यही चीज़ हम जानना चाहते हैं, ये समस्या का समाधान नहीं करना चाहते। वहाँ गांव के लोग जो है, पिछड़ी जात दलित वर्ग के लोग हैं, उनके बीच का मामला है, होता है, जा रहते हैं, उनका समाधान ये चाहते हैं कि लड़ाई हो जाए, फौजदारी हो जाए, किसी तरह से कुछ हो जाए, तो उसमें राजनीतिक रोटी सेकने का एक काम है, खुद शांति व्यवस्था भंग करना चाहते हैं। हम कप्तान साहब से हमने बड़ी उम्मीद करके आए थे कि भाई एक MLA का टेलीफोन न उठाना, 50 शासनादेश हुए, सैकड़ों हुए होंगे, कोई हम उनसे मर्सी नहीं मांग रहे हैं, हाँ उस पर ये अपराध है, इनके खिलाफ कार्रवाई करिए, तो ये कार्रवाई करने में अक्षम है। हमने कहा हम बैठते धरने पे, इसके बाद मेरे पास क्या चारा है, आपको जो मर्जी करो, कार्रवाई करते हो कि नहीं करते हो, हम लोग आपसे कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे, संविधान, अब जो संविधान के बनाए नियम है उसकी रक्षा के लिए, अब पुलिस के इस तांडव के लिए जो जिस तरह का हो रहा है। पार्टी के विधायक आपके कार्यालय के बाहर धरने पे बैठे, क्या संज्ञान में आए मामला, क्या जानकारी है? जी हाँ, इस प्रकरण में जो विधायक जी से जो वार्ता की गई, उस क्रम में ये पता चला कि उनके द्वारा जो SHO कोतवाली है उनसे फोन पे वार्ता की गई थी, फोन की वार्ता के क्रम में दो प्रकरण उनके संज्ञान में डाले गए थे, और उसके बाद में ये भी है कि इनका जो कथन है कि पुलिस द्वारा उसमें कार्रवाई नहीं की गई है, और साथ में कि उनका कहन अनुसार उनका ये है कि जो फ़ोन है उठाया नहीं है। फिर उसी क्रम में इनसे विधायक जी से भी प्रार्थना पत्र लिया जा रहा है, उस प्रार्थना पत्र के आधार पर जो भी कार्रवाई होगी, जो भी जाँच होगी, उस क्रम में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई ज़रूर की जाएगी और उसको अमल में लाया जाएगा। किस तरह का वो मामला था जो जिस मामले को लेकर ये बात करना चाह रहे थे और क्या नहीं हो पाई? एक मामला मुकदमे से संबंधित है और एक जमीन संबंधित प्रकरण है, दोनों प्रकरण में जांच कराई जा रही है और उसमें जो भी विधिक अनुसार जो प्रक्रिया हो उसको फॉलो किया जाएगा। विधायक जी का आरोप है कि थानों में सुनवाई नहीं होती, महिला थाने में उनके कार्यकर्ता को भगा दिया गया, इस तरीके का आरोप लगा है। ये तथ्य जो उनसे वार्ता के क्रम में और उनकी एप्लीकेशन के आधार में जो भी आएंगे, जो भी उसमें जाँच होगी, उस क्रम में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।